हेलो बच्चों, सेव साठ हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे, आज आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी पिटमैन बुक सन और जन हुक, यानी सन हुक, पहले तो हेडिंग जो आपकी है सन हुक है, 62 एक्सरसाइज के पहले आप पहुंचेंगे। 60 एक्सरसाइज यानी 58 कराया है, 58 अभी पढ़ा आपने, उसके जस्ट अगला चैप्टर आपका जो है ये द सन हुक है, यानी सन और जन का हुक है। साउंड आपको सीधा सा यहाँ लिख देंगे, सन और जन, यानी कोई भी सा हो, कोई भी सा हो, सन और जन, ज्यादातर सन और जन। अंग्रेजी स्पेलिंग आपकी आएगी SION SIAN, तो स्पेलिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, बस इतना दिमाग में रखना है सन और जन। यहाँ पे कोई सन सीधा भी हो सकता, सन भी हो सकता, शन भी हो सकता, जन हो सकता, ZH जो बताया, UN जन हो सकता है, यानी सन और जन का हुक, ये दिमाग में रखना है, ये बिल्कुल हमें साउंड पे ही ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमारे पास दो तरह के स्ट्रोक बनते थे, एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में और एक आर्क में। हमने कहा था स्ट्रेट लाइन में घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉक FB का हुक था, और क्लॉक था तो N का हुक था, आर्क में अंदर की तरफ N का हुक था। यानी जो हमने बाद में हुक सिखाया था, कहा था स्ट्रेट लाइन का कोई स्ट्रोक बनाना, अंतिम सिरे को क्लॉक वाइज बना देना और हुक बना देना तो N हो जाएगा, एंटी क्लॉक बना देना F या V जो भी पढ़ लेंगे वो हो जाता था। आर्क वाले में अंदर की तरफ N का हुक था, बस सेम वही बनाना है, ये स्ट्रेट लाइन का जो हुक है अंतिम सिरे को चाहे इधर वाले को चौड़ा चाहे इधर वाले को चौड़ा, यानी बाद में जो हुक पढ़ा था एन और एफ का या फिर अभी जो भी बोले उस हुक को चौड़ा कर दें, यानी इसमें जितना स्पेस था उससे इसको मोटा कर दें, सर्किल लार्ज सर्किल, इसको लार्ज हुक समझ लीजिए, इसको बड़ा हुक बना देंगे, तो ये आपका वही सन और जन हो जाएगा, सन और जन, और आर्क में इस वाले को चौड़ा कर देंगे। बस छोटी सी बात है, आप जो हुक पढ़े थे बाद वाला स्ट्रेट लाइन में एंटी क्लॉक और क्लॉक दो हुक पढ़े थे, उन दोनों हुक को किसी को भी चौड़ा कर देंगे सन और जन हो जाएगा, और आर्क वाले में अंतिम स्ट्रोक अंदर तरफ हुक उसको चौड़ा कर देंगे सन और जन। ये इतना तो हमें समझना है, अभी जब वर्ड्स बताएंगे तो आपको समझ, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, एक पेज आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे, जैसे पा बनाया या पी जो भी, पा ये सन चाहे इधर घुमा दे चाहे इधर घुमा दे, टसन ये टा ऐसे घुमा दे चाहे ऐसे सन, ये रसन ऐसे घुमा दे चाहे ऐसे घुमा दे, ये मसन ये नसन ये फसन ये ससन ये ततन तचन जो भी करते हैं तसन, तो ये ऐसे नहीं समझ में, अभी जब हम भी तुरंत कराने चल रहे हैं 60 एक्सरसाइज, आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। अभी बस हमें ध्यान रखना है, ये जो भी स्ट्रोक आपको पी दिखा और सन, पिसन कर लो या पसंद जो भी पढ़ लेंगे, अभी हमने वर्ड्स नहीं बताए, हमने सिर्फ आपको रूल्स बताए हैं। अगर इसको हमने पी पढ़ा है यानी पा पढ़ा है, इसको हमने सन पढ़ा है तो पसन, बस इतना दिमाग, यही चीज हमने एक छोटी सी बताई है। अब दूसरा एक पेज इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर जो हमने सर्किल बताया था, ये सर्किल स्ट्रेट लाइन में एंटी क्लॉक सर्किल, आर्क वाले में अंदर तरफ सर्किल, ये सर्किल बनाते हुए हमें ये यू शेप में जो सिखाया था, यू में बियॉन्ड यू वाला, वही निकाल दिया गोल, तो इसको हम जेसन यानी जेसन और फिकेशन, फिकेशन या फैक्शन कुछ भी पढ़ेंगे, स्पेलिंग समय कोई मतलब है, जासाना ये पढ़ेंगे, बस क्या पढ़ेंगे साउंड जा सा ना, कोई भी सा होगा, और फा का सा ना ऐसे फिकेशन, अभी देखेंगे जैसे, तो ये ऐसे, अब ऐसे के का सेशन या का जेसन, सेशन और जेसन यानी सा भी जा का सा एक होता, शुरू सिखाए हैं जा और सा एक है, जेसन सेशन फिकेशन, अभी आएगा वर्ड्स आपको समझ में आएगा, बस सेशन जेसन ये तीनों में ये कोई भी पहले हो सकता है, चाहे ये पहले पढ़े चाहे ये पहले पढ़े, सजन जसन जसन ससन ये भी हो सकता है, दो सा भी हो सकता है, यानी सा जा एक साथ, चाहे पहले पढ़े चाहे बाद में चाहे दोनों सा पढ़े ना, ये और ये फक्शन फिकेशन हो जाए जैसे, तो आपको बस ऐसे क
कसेशन, कफेशन, ऐसे पसेशन, पजेशन जैसे आएगा, भी वर्ड्स आ रहे हैं सब। टेशन जैसे डिसीजन लिखना, डी शब्द डिसीजन, वर्बसम सीजन कहें चाहे जीसन कहें, कोई पोजीशन, ये पी लगा दे, पी सेकंड हो गया, पोजीशन हो गया। ट्राजीशन, ये ट्रा और ये जीसन हो गया, ट्राजीशन हो गया। तो ये अभी आपको इतना हमने कहा था, सर्किल बनाया, सर्किल को यू शेप में ऐसे निकाल दिया, इस तरह से आपको पिक्चर बनानी, इस तरह से अप्लाई बना सर्किल, यानी यू शेप में सर्किल बनाया और यू शेप में एक हुक निकाल दिया, तो ये जेसन और फिकेशन होता है। ये आप पढ़े पहले से दो पेज अच्छे से सो प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप 60 एक्सरसाइज निकाल लेंगे अपनी बुक, 60 एक्सरसाइज खोल लेंगे, आप 60 एक्सरसाइज कराने चलें, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। 60 नंबर, अब 60 में, 60 एक्सरसाइज में नंबर एक देखेंगे, पहले क्या इरेजन, ई है तो आर हमारा थर्ड प्लेस बनेगा, इरे हो गया। अब हम चाहे इधर घुमा दें चाहे इधर घुमा दें, यानी दोनों आपकी आउटलाइन बन सकती है, इरेजन। इनवेजन्स, इनवेजन्स है, इन पढ़ा है, ये वे जन और ये एस लगा दो, इनवेजन्स, जन्स है इनवेजन्स। डिवीजन, डी हो जाएगा थर्ड प्लेस पर, ये वी हो जाएगा और जन हो गया है, डिवीजन, सन और जन हमने दोनों सिखाया। अब डी चाहे तो वॉवेल लगा दें, वॉवेल लगाने जरूरत नहीं है। एलिवेशन, एली, एली पढ़ा तो एली, ये वे और ये सन। मेंशन, मेंशन है तो फर्स्ट प्लेस बनाएंगे, मैन और ये सन, मेंशन। अब नंबर दूसरा, एक एक पॉइंट, मैन हो गया और ये मैन और ये सन और जन का हुक चौड़ा है, मैन। सलूशन, सा ये ला, सा लू और ये सन, सलूशन। डेसोलेशन, डेसोलेशन ये डी सेकंड, डे बीच में सर्किल, क्लास चेंज, डेसोलेशन। रिलेशंस, रिलेशन अगर हमने आर ए वाला बनाया, रिलेशन, रिलेशंस है तो एस लगा देंगे, रिलेशंस। अब चाहे रे ले बॉबल लगा सकते हैं, लेकिन अब बॉबल हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, रिलेशंस। स्टोपलेशन, स्टिप, इस्ट और इप, यानी ए एस टी लगाया, स्टोपलेशन, स्टोपलेशन, लेसंस है तो एस लगा देंगे इसी में, स्टोपलेशंस। अब तीसरा नंबर, यहीं से तीसरा शुरू करते हैं, तीसरा नंबर एक्सेप्शन, एक ये एक हो गया, ये सेफ हो गया और ये सन, कोई यही नहीं, हम इधर घुमा सकते हैं, किधर भी घुमा सकते हैं, एक्सेप्शन। बाद में आपकी जब आप लिखाना सिखाएंगे, मैगजीन पे आएंगे, वर्ड्स बताने बच्चे से, तो आपको खुद ही आप समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा बना, अभी कोई भी बनाए कहीं गलत नहीं है, कोई बनाएंगे। इम्प्रेशन, एम एम प्रे और ये सन, इम्प्रेशन। अब देखिए थोड़ा दिमाग, अगर हम इधर घुमा देते, सपोज ऐसे बना देते, इम्प्रेशन, ये आउटलाइन हमारी अच्छी नहीं बनती, बस इतना है, तो कोई रूल्स नहीं, हम किधर घुमा सकते हैं, रूल इतना है कि हमें आउटलाइन हमारी अच्छी बने, तो अभी हम वही बनाएंगे जो आपकी आउटलाइन अच्छी बन रही हो। सेलिब्रेशन, ये सेली, ये ब्रे और ये सन, ये थोड़ा बड़ा बन गया, सेलिब्रेशन। रेसिटेशन, रेसी आर से, रेसिटेशन। डिस्कशन, ये डी थर्ड प्लेस है, डिस्कशन, डिस्कशन। एक्सक्लूजन, एक्स है तो सेकंड, नहीं एक्स है वैसे, एक्स पढ़ा सेकंड, एक्स क्लू, ये एल का हो, क्लूजन, ये यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक्स क्लू और ये जन, ये से बनाना सेकंड प्लेस, एक्सक्लूजन। अगला देखेंगे चौथा नंबर, स्पेसिफिकेशन, स्पेसी, स्पेस बनाएंगे, स्पेसा, स्पेसा और ये फिक, इस पे पहले पूरा सा बना दे, स्पेसा और ये फिकेशन, ऐसे नहीं, स्पेसिफिकेशन,
ये भी फिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन ये भी बना सकते हैं, ये भी इन्फेक्शन, इन्फेकेशन, फेक्शन कहो चाहे फिकेशन कहो चाहे फैक्शन कहो, इन्फेक्शन। और नहीं अगर नहीं ऐसे समझ तो ये बना सकते हैं इन्फेकाशन, दोनों। इसीलिए इसको हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, दोनों तरह से बनाया हमने, फिकेशन फैक्शन बताया, ये भी बना सकते हैं। नेविगेशन, अब इसको पूरा ये नेविगेशन, रेलीगेशन, रेली ये रेलीगेशन। आगे देखेंगे पांचवा नंबर ऑक्यूपेशन, आकू पढ़ा तो फर्स्ट प्लेस पर ऑक्यूपेशन। रशियन, रशियन पढ़ो या रशियन, अगर ऐसे नहीं समझ तो रशियन पढ़ा है तो ऐसे बना देना, ये तो बिल्कुल आपके पुराने से हो गया। लेकिन अगर हमने सन जन पढ़ा है वाला साउंड आया तो सीधे से आपका रशियन। अगला है अकेजन, ऑकेजन है तो फर्स्ट प्लेस पर, ऑकेजन है तो फर्स्ट प्लेस बनाएंगे ऑकेजन। एजुकेशन, वैसे एडुकेशन होता है, एडुकेशन पढ़ेंगे तो डी बना देंगे और एजुकेशन पढ़ेंगे तो ज बना देंगे। ऑब्लिगेशन, ये बी में एल है, ऑब्लिगेशन। अगला है ल्यूब्रिकेशन, ल्यू है तो थर्ड प्लेस पर ल्यूब्रिकेशन, ल्यू एच आई लगा दें ल्यूब्रिकेशन। अगला नंबर सिक्स डेपुटेशन, ये डेपुटेशन। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन स्पेलिंग ध्यान रखें, स्पेलिंग से साउंड ध्यान रखेंगे कि किस प्लेस पर, एडॉप्शन है तो फर्स्ट प्लेस पर। इमिटेशन, इमी है, इमिटेशन, इमी है तो थर्ड प्लेस एम तो जाएंगे टेशन, इमिटेशन। प्रेजेंटेशन, ये प्रा एजन ये टे और एसन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। इस तरह से 60 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब थोड़ा सा और रूल है साथ ही में, थोड़ा सा 60 के आगे आपका जो है कोई वैसा रूल नहीं, बस एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अभी हमने ये वाला छोटा सा रूल जो ये बताया था फिकेशन जेसन फिकेशन वाला, ये वाला इसमें बस इसमें हमने कहा था स्ट्रेट लाइन में सर्किल एंटी क्लॉक बनाना सिखाया था बस। जैसे हमने पढ़ा अभी सपोज ये ट्रा पढ़ा, ऐसे लिख लिया अंग्रेजी, ये ट्रा मान लो पढ़ा टी आर पढ़ा, और ये सर्किल एंटी क्लॉक और ये जेसन, इसको हमने पढ़ा ट्राजेसन, मान लो ट्राजेसन पढ़ा या जेसन पढ़ा जो भी पढ़ा ट्रा। और हमने फिर कहा था सर्किल को अगर क्लॉक बना देंगे तो क्या हो जाता था, ये ट्राजेसन तो एन बीच में जुड़ जाता था ट्रांजिशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये जो ये स्ट्रेट लाइन के लिए कहा था एंटी क्लॉक सर्किल बनाता था उसका यू निकाल देते तो जेसन फिकेशन हो जाता, अगर इसको क्लॉक बना दिया तो एन मिड में और जुड़ जाएगा जो इसके पहले का आपने चैप्टर पढ़ा है। तो अब जैसे इसको हमने पढ़ा ट्रांजिशन तो क्लॉक बना देंगे ट्रांजिशन, जैसे ट्रांजिशनल आ जाए तो ट्रांजिशन हो गया और एल लगा दिए ट्रांजिशनल हो गया, यानी सर्किल क्लॉक बना देंगे एन मिड में जुड़ जाता। बस इतना था इसमें, एक एक पॉइंट अभी समझ में आ जाएगी आपको बात। अब हम 62 कराते हैं, आपको 100% सब समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपको हम एक्स्ट्रा बताएं इसमें। 62 देखेंगे अभी सारी चीजें समझ में आएगी। प्रोपोजिशन, ये प्रो हो गया, ये पो हो गया और ये जीसन हो गया, जीसन कहो चाहे सीजन कहो चाहे सेशन कहो, सा जाना कहिए आया है आपका, सा जाना चाहे जा साना, कोई वॉवेल किसी पे लगा सकते हैं हम। प्रोपोजिशंस यही आया है, ये प्रोपोजिशन ये इसी में एस लगा दो,
प्रोपोजिशंस। अगला है प्रेसीशन, प्रेसीशन है ये प्रेसीशन, प्रेसीशन या सीजन जो भी पढ़ेंगे। प्रोसेशन, और ये प्रो हो गया और ये सेशन हो गया। अब देखो प्रोसेशन है प्रोसीशन है, इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो हम बाद इसको बताएंगे, यहाँ पे हम बॉबल लगा देंगे प्रोसीशन के लिए, प्रोसेशन तो होता प्रोसीशन के लिए बॉबल लगा दें, और नहीं तो ग्रामर से हमारा क्लियर है तो आपको कहीं ज़्यादा सोचना नहीं। अभी हम सिर्फ इसको रूल्स सिखा रहे हैं आपको कैसे बन रहा है। अगला देखेंगे प्रोसेशंस है, प्रोसेशन होगा प्रोसेशंस, ये प्रोसेशन एस लगा देंगे प्रोसेशंस। अब नंबर दो डिस्पोजिशन, ये डी थर्ड पे डिस्पोजिशन। अगला इन डिस्पोजिशन, इन जोड़ देंगे बस, इन हो गया ये डिस्पोजिशन। अगला है एक्यूसेशन, एक्यूसेशन है फर्स्ट प्लेस पर, एक्यूसेशन सेशन जेसन एक्यूसेशंस, हाँ एक्यूसेशंस यही एक्यूसेशन एस लगा देंगे एक्यूसेशंस। अगला देखेंगे वैक्सेशन, ये वैकसेशन। अगला देखिए तीसरा नंबर, तीसरा मिशन, एम को थर्ड प्लेस पर ये मिशन, मिशंस ये मिशन एस लगा दो मिशंस। मिशनरी, अब मिशनरी है तो ये ऐसे मिशन री आर डाउन मिशनरी। कमीशन, ये कमीशन, कमीशन कमिशनरी नहीं मिशन कमीशन कमीशन कमीशंस, कमीशंस एस लगा देंगे। कमिश्नेयर, ये कमिश्नेयर, कमिश्नेयर लिख दे चाहे एयर वहां पर लगा देंगे, बाद में सबने कहा आपको जब वर्ड्स लिखाएंगे सेंटेंस आएगा तो आपको सब समझ में आएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक्सेप्शन पीछे भी आया था। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल एक्सेप्शन ये एल डाउनवर्ड ला दे एक्सेप्शनल। डिस्क्रेशन, ये डिस्क्रेशन ये सक्रेशन चैसे चैसे तो डिसक्रेशन ऐसे जोड़ा है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशनरी इसी में ये डिस्क्रेशन ए बना लेंगे आर, इसमें ए वाला सही बना, इसमें हम ए वाला आर बना सकते हैं कोई बना सकते डिस्क्रेशनरी। अफेक्शन, अफेक्शन अफेक्शनेट, अब इसमें अफेक्शनेट आया है तो हम चाहे इसी में टा बना दें लेकिन कोई जो ही नहीं तो हम फिर पूरा बनाएंगे अफेक्शनाटा ऐसे बना सकते, पहले तो अफेक्शनेट अफेक्शनाटा ऐसे, और नहीं तो हम बनाएंगे अफेक्ट ये एस एच बना के अफेक्शनेट ऐसे बना सकते। अगर समझे तो हम आपको यही सिखा दें अफेक्शन में एट लगा देंगे बस अफेक्शनेट। इस तरह से आपका 60 और 62 एक्सरसाइज, 60 और 62 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहले आप रूल्स को जब भी कोई चीज़ बताएं पहले रूल्स अच्छे से आपको दो पेज बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज पहले एग्जांपल अपने पहले बुक के एग्जांपल्स किया करिए। जब भी एक्सरसाइज कोई हो पहले एग्जांपल, पहले रूल्स फिर एग्जांपल्स फिर आप एक्सरसाइज, एक पॉइंट टू पॉइंट करा, एक वर्ड को दो बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस किया। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में इसका ग्रामोलॉक्स और इसकी एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।